नमस्कार सकाळ 8:00 अपडेट खबर सह आपनको स्वागत करछु मु शक्ति बुलेटिन को पढिबा किंतु प्रथमे आसुन देखिनबा कोन रहिछ मुख्य खबर आज बसुछि राज्य कैबिनेट संध्या 6:00 रे गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपर होइ परे आलोचना नवीन निवास रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे शामिल हेबे मुख्यमंत्री कर्पूर संचेडी रे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना बस और टेम्पू मुहांमुही धक्का 70 मृत अनेक गुरुतर आहत ट्वीट कर दुख प्रकाश कले प्रधानमंत्री और यूपी मुख्यमंत्री पीएम रिलीफ फंड रु मृतकों परिवार को 2 लाख और आहत को 50,000 टंकार सहायता घोषणा स्वामी जीवन बचेवा लगे स्त्री आकुल नवेदन भुवनेश्वर घर हस्पिटाल जीवन सह संघर्ष करुंट अभिषेक कोलकाता एक्मो चिकित्सा पर राज्यवासी सहयोग लोड़े परिवार लोके घर हस्पिटाल कोविड टीकार दर धार्य विभिन्न टीका मूल्य निर्धारण कला स्वास्थ्य मंत्रालय 780 रे कोविशील्ड 1410 रे कोवैक्सीन स्पुटनिक भी दाम 1145 टंका तृतीय लहर पिला प्रभावित करने उपर दिल्ली एम्स निर्देशकों बड़ बयान पिला घातक होगा नहीं ना कौन प्रमाण द्वितीय लहर में पिला देखा जाता अल्प लक्षण घरे रही होती सुस्थ राज्य में कोविड स्थितर समीक्षा कले मुख्यमंत्री पॉजिटिविटी रेट ह्रास पाई कले आश्वस्ति प्रकाश आगक विभिन्न पर्वपर्वाणी आसुवर अधिक सतर्क रहा परामर्श जबकि कोविड नियमावली को कड़ाकड़ी पालन पर निर्देश 250 टंकार औषधर हो पार ब्लैक फंगस चिकित्सा 100 गुणा कम दर रे हेबा म्यूकर माइक्रोसिस चिकित्सा मध्यवित्त श्रेणीर लोकों पर एम्फोटेरेसिन बी र कन्वेन्शनल औषध जीवन बचेवा दिगरे हेबा सहायक केरल छुई सारा मौसुमी खूब शीघ्र ओडिशा मुहाँब जलवायु परिवर्तन मौसुमी को प्रभावित करार संभावना राज्य में सृष्टि हो पारे बन्या परिस्थिति आज संध्या 6:00 बसुची राज्य कैबिनेट मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षतार बैठक होगाक कैबिनेट केतोटे गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आलोचना करिपे नवीन निवास रु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे शामिल हेबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अधिक अपडेट पर सहित ऑनलाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति दिव्य आज जो कैबिनेट बैठक होगाक तार कौन रही एजेंडा क्यों क्यों प्रसंग से आलोचना हो पारे कौन प्रस्ताव आसी पारे आज जो संध्यारे कैबिनेट बैठक रही विशेषतः 10 ऊर्ध प्रस्ताव पर आज मोहर बाजिबार संभावना रही विशेषकर ओएस कैडर पुनर्निवेश अधिक आलोचना हम ये जो प्रस्ताव पर आज मोहर बाजिबार बहुत आशा रही जो डिमांड रही आसला ओएस संघ मानक जो कैडर रही तार पुनर्विन्यास रिस्ट्रक्चर कैबिनेट मोहर बाजिबो आ गोटे कथा देखु आद अन्य किसी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव मोहर बाजिबो जमीक आप देख स्वास्थ्य विभाग बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव आज मोहर बाजिबो जेहतु कोविड समय रही स्वास्थ्य विभाग अनेक गुड प्रस्ताव पर आज मोहर बाजिबो सहित पूर्त विभाग हो किंबा गणशिक्षा विभाग हो किंबा नगर उन्नयन विभाग हो पांच छटी विभाग विभिन्न प्रस्ताव पर मोहर बाजी जाऊँगी विशेषकर 10 ऊर्ध प्रस्ताव रही सबुठ बड़ कथा हूँ जेहतु कोरोना समय रही सब थर पी एथर वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए कैबिनेट बैठक अनुषित हो मुख्यमंत्री नवीन निवास जोड़ी हे कि मंत्री जिला स्तर रही अन्य किसी मंत्री जो मैंने भुवनेश्वर रही लोकसभा भवन में बसवे सचिव लोकसभा भवन जो कन्फरेन्स रूम रही बसवे संध्या 6:00 पर ही जना पड़ो कि प्रकृत में कतोटी प्रस्ताव पर मोहर बाजिला और कौन कौन प्रस्ताव रही धन्यवाद दिव्य सूचना दिव्यज्योति महांति आम प्रतिनिधि जो भाव में सूचना दूसरे कि आज कैबिनेट 10 प्रस्ताव उपर मोहर लगिपे भितर रही ओएस कैडर पुनर्विन्यास से नहीं कि मोहर लगे राज्य कैबिनेट से पूर्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग केतक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आज कैबिनेट स्थान पाई
परवर्ती खबर को जीवा उत्तर प्रदेश कानपुर रे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना बस और टेम्पो मध्य धक्का होगा फल 70 जन यात्री मृत्यु होती दुर्घटना अनेक गुरुतर आहत होती संचड़ी ठारे बस सह टेम्पो मुहांमुही धक्का होता फल बस टी ओल्टी पड़ा हेल्थ हॉस्पिटल रे चार गुरुतर चिकित्सा चली बस टी द्रुत गति में लखनऊ दिल्ली जाऊला अटोटी उनारु श्रमिकों को नहीं गुजरात जाता बेले दुर्घटना घटा मृतकों मध्य अधिकांश बिस्कुट फैक्ट्री में काम करुवा श्रमिक थे से दुर्घटना ने दुख प्रकाश कर प्रधानमंत्री और यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम रिलीफ फंड मृतकों परिवारवर्ग को 2 लाख टंका लगाए और आहत मान 50,000 टंकार सहायता घोषणा कर बस है। अभी तक की जो जानकारी हम लोग को मिली है एक प्राइवेट बस उन्नाव से गुजरात जा रही थी कुछ मजदूरों को कर्मियों को लेकर के इस बस की एक बहुत ज़ोरदार टक्कर हुई टेम्पो के साथ में जिस टेम्पो में स्थानीय सवारियां कुछ जा रही थी ये कानपुर आउटर जनपद में सचिंडी थाना क्षेत्र है किसान नगर ब्रिटानिया फैक्ट्री के पास में ये घटना हुई। ज़्यादातर जो लोग टेम्पो में सवार थे उनको गंभीर चोटें लगी हैं और अभी तक 16 लोगों की दुर्भाग्य से मृत्यु होने की पुष्टि है। 5 लोगों का इलाज चल रहा है बाकी लोग को जो चोटें लगी उनका भी इलाज चल रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि सबको अच्छे से अच्छे जो गंभीर इंजर्ड लोग हैं इलाज उनको मिले और जो घटना क्यों हुई कैसे हुई इसके बारे में एसपी आउटर साहब मौके पे हैं एडीजी जोन और आईजी रेंज साहब मौके पे हैं वो जांच कर रहे हैं जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी आपको अवगत कराया जाएगा। स्वामी का जीवन बचे स्त्री का आकुल निवेदन अभिषेक का जीवन रक्षापाई साहय भिक्षा करुंका नवबिवाहिता पत्नी भुवनेश्वर घर हस्पिटाल जीवन सह संघर्ष कर एकमात्र रोजगारिया पुआ अभिषेक कोलकाता एकमो चिकित्सा दरकार एथिपाई एयर लिफ्टिंग आवश्यकता रही आगे राज्यवासी को सहयोग करने निवेदन करिछंती अभिषेक परिवार लोके बहुत लोग अच्छा पेज को स्क्रॉल कर दिखाते देखते नहीं भावुंत फेक बोली कि फेक नुह सत कथा आपे चाहिए देखीपर कौ अवस्था आम अच्छा से ना बहुत ये मौसुमी महांति कोविड रे आक्रांत हो एकमो चिकित्सा अपेक्षा जीवन सह संघर्ष कर अभिषेक महांति नवविवाहिता पत्नी गरीब घर माँ पर लुगा सिलाई कर पु को इंजीनियर कर स्त्री स्वामी जीवन रक्षापाई साहय भिक्षा कर एते सबू भितरे भी तांको स्वामी को परी अवस्था थिबा अन्य मानकर चिंता भी छाड़ी नहांती समस्त को पखरे संभव न हो कि समस्त एयर एम्बुलेंस करू जे तो मो पखरे भी संभव न हो मोठो ब्याह हो रे बहुत जे कि दिन दिवळ खाइबा को भी पानन से मन को भी कंडीशन खराब हो जे तुम सीएम को रिक्वेस्ट करू जे कि जते भलो जते जल्दी होवो से व्यवस्था ओडिसा रे अवेलेबल करू तो ओमानी चाकरी करथिले अभिषेक निकटे तंकर विवाह होइथिला तापरे कोविड आक्रांत होइथिले अवस्था गुरुतर हैला फुसफुस प्रभावित हैला एबे भुवनेश्वर घरोई हॉस्पिटल जीवन सह संघर्ष करछंती परिवारर एकमात्र रोजगारिया पुओ अभिषेक कोलकाता रे एकमो चिकित्सा दरकार एथिपई एयर लिफ्टिंग रो आवश्यकता रहिछि एथिपई पाखापाखी कोटी टंका दरकार एते टंका आनिबे किउठा राज्यवासी को सहयोग पे निवेदन करछंती अभिषेक कुमार और तांको पत्नी परर कपड़ा सिले करी मो पुओ को मो प्रथम रो इंजीनियरिंग पास करी बहुत कष्ट रे मो तांको आज पठेथिली ओमान ओमान ले से चाकरी करथला अवस्था रे बहुत स्वप्न देखेथला बाबा मामर जे घर करीबा हमर रहीबा बा बूढ़ा बूढ़ी को मो सहारा तमर छुआ पिला नाही मो सब मो करी तमरो बाबा सब स्वप्न दर भांगी गला बाबा सब स्वप्न भांगी गला छुआटा आज 28 वर्ष आग को बहुत बड़ बड़ स्वप्न देखी किसी कर दुख भांगी पड़ी बाबा कौन कह मो छुआ किसी साहय कला मो छुआटा बची जाता आपात पूरा
कोलकाता चेन्नई रे अछि एक्मो मिशन काहें कि ओडिसा रे नहीं एक्मो मिशन एबले महामारी समय रे काहें कि आगुरु सजा खेलेनी सरकार ओडिसा रे मशीन चलेबा पई काहें कि नहंती ट्रेन मैन पावर तबे सबटु बड़ प्रश्न सरकार कोरोना रा प्रथम लहर परे काहें कि प्रस्तुत हेले नहीं ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज रही चाहे गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु समाज गोटे छोट बिरति देशर विभिन्न टीकार दर निर्धारण करिछंती केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय घर हस्पिटाल गुड़िक लागि टीका दर निर्धारण होइछि प्राइवेट हस्पिटाल रे कोविशील्ड टीकार दाम डोज पिछा सर्वाधिक 780 टंका धार्य करा जाइछि जेपरि कोवैक्सीन रो दाम 1410 टंका स्पुटनिक भी रो दाम 1145 टंका धार्य करा जाइछि एहि मूल्य केवल घरोइ डाक्तरखाना पई उद्दिष्ट देशरे कोरोनार द्वितीय लहर कमी कमी आसुथवा बळे तृतीय लहर को नै अनेक आशंका सृष्टि होईछि तेबे यार भितरे तृतीय लहर रे छोटो पिला अधिक प्रभावित हेबा नै करा जाउथवा आशंका को खंडन करिछन्ते दिल्ली एम्स रा निर्देशक डाक्टर रणदीप गुलेरिया कोरोनार तृतीय लहर रे छोटो पिला माने प्रभावित हेबा नै वर्तमान सुधा कोनोसी प्रमाण मिली नाही बोली कहिछन्ते दिल्ली एम्स रा निर्देशक द्वितीय लहर रा तथ्य अनुसार हॉस्पिटल रे भर्ती होइथवा पिलांक मध्यरु 60-70 प्रतिशत का पाखरे रोग प्रतिरोधक शक्ति कम रही थिला बोली एम्स निर्देशक कहिछन्ते राज्यर कोविड परिस्थिति संपर्क में समीक्षा करिछन्ते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्य में पॉजिटिविटी रेट ह्रास पाइथिबारु मुख्यमंत्री आश्वस्ति प्रकाश करिछन्ते आगको विभिन्न पर्वपर्वाणी आसुथिबारु अधिक सतर्कता अवलंबन करिबाकु हेबो बोली कहिछन्ते मुख्यमंत्री एथिपाई कोविड नियमावली को आहुरी कड़ाकड़ी भाव में पालन करिबापाई निर्देश देइछन्ते कोविड तृतीय लहर में शिशु माने अधिक प्रभावित हेबार आशंका थिबारु यार मुकाबला प्रस्तुत रहिबा लागि मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ते सेपटे दैनिक टीकाकरण को 3 लाख को वृद्धि करने मुख्यमंत्री परामर्श देते मुख्यमंत्री के निर्देश क्रमे राज्यर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र ठारु आरंभ कर मेडिकल कॉलेज पर्यंत 1114 डाक्तर और 1036 स्वास्थ्यकर्मी को शिशु कोविड रोगी तालीम आरंभ करसहित तृतीय लहर मुकाबिलाई 3000 बेड 2390 आइसोलेशन बेड 610 आईसीयू बेड प्रस्तुत रखा जाइछ परे मुख्य शासन सचिव सूचना दैछन्ते मात्र 250 टंकार औषधरे होई पारिबो ब्लैक फंगस रो चिकित्सा पूर्वथर अपेक्षा 100 गुणा कम दररे हेबो म्यूकर माइक्रोसिस चिकित्सा कोविड परे किछ लोकंकु म्यूकर माइक्रोसिस रोग होउछि बहु रोग बहु रोगी अर्थ अभाव चिकित्सा करने सहज हो ना हेले आपड़ जान लें आश्चर्य हे मात्र 250-350 टंकार मिलता औषधे यही रोग चिकित्सा हो पारे यह होम्फोटेरिसन बी कन्वेंशनल औषध यह आईवी बा सालाइन माध्यम दि जाए किडनी ठीक थी रोगी को मेडिसिन दि जापर यह बजार में जथेष महजूद अच्छी वर्तमान राज्य में प्राय 40 अधिक ब्लैक फंगस रोगी चिन्हट हो सारी एमधर कि मृत्यु हो सारी बेले कि सुस्थ तेरे मध्यवित श्रेणीर लोकों पर एम्फोटेरिसिन बी कन्वेंशनल औषध जीवन बचाइवा दिगरे बड़ सहायक हो पार टीकाकरण को सहज एवं अधिक बेग देवाई जून 7 तारीख दिन प्रधानमंत्री ईच वन पे वन व्यवस्था बाबद घोषणा करते तेरे कौन यही व्यवस्था किपरि आपण एही व्यवस्था रे सामिल होई आपणक आखपाखर आर्थिक दुर्बल श्रेणी लोकंकु सहायता करिपारिबे एहाकु आखि आग्रे रखी योजना आरंभ करबाकु जाउछंती केंद्र सरकार टीकाकरण को बेग देबा पई ईच वन पे वन योजना आर्थिक दुर्बल श्रेणी लोकंक पई जे केही बढ़ाई पारिबे सहायतार हात आपण निजे टीका नेबा सहित अन्य कहा पई करिपारिबे सहाय्य टीकार मूल्य दे किणवाक पड़ो भाउचर से ही भाउचर आउ जड़े घर हस्पिटाल नहीं पारे कोविड टीका देशर समस्त नागरिक को कोविड टीका देवार दायित्व केंद्र सरकार नहीं कथा जून 7 तारीख दिन घोषणा कर प्रधानमंत्री टीकाकरण समस्त खर्च केन्द्र बहन कर राज्य और केन्द्र शासित अंचलगुड़िक केवल यार परिचालनार दायित्व बहन करे टीकाकरण को सहज एवं अधिक बेग देवाई प्रधानमंत्री आउ गोटे कथा कही ईच वन पे वन व्यवस्था कौन यही व्यवस्था
किपरि आपण भी ए व्यवस्था रे शामिल होई आपणक आखपाखर आर्थिक दुर्बल श्रेणीर लोकंकु सहायता करिवे ता सहित मध्य कमाई परिवे सरकारक आर्थिक बोझ एहाकु आखि आगरे रखि योजनार प्रस्ताव रखिछन्ति। खूब शीघ्र कार्यकारी हेबाकु जाउतिबा एई इच वन पे वन योजना अनुसारे जेउ माने अर्थ देई टीका नेई पारिबे एथिपई घरोई हॉस्पिटल रे मध्य सेमानक पई व्यवस्था रहिबो। मात्र सेमाने जदि निजे टीका नेबा सहित कोनोसी गरीब आर्थिक दुर्बल श्रेणीर लोकंकु टीकाकरण रे सहाय्य करिबाकु चाहन्ति ताहेले एई स्कीम अधीनरे करि पारिबे सहाय्य। प्रथमे एथिपई संप्रुक्त व्यक्ति टीका देबाकु थिबा लोक नारे टीकार मूल्य प्रदान करी एक भाउचर किणवे एथिपई एक स्वतंत्र नॉन ट्रांसफरेबल भाउचर प्रस्तुत करबाकु जाउची रिजर्व बैंक तेबे एहा एक ई भाउचर भाबरे प्रस्तुत करा जीवो। जेउ व्यक्ति नारे भाउचर किणा जाइथिबो सेही व्यक्ति ही केवल घरोई हॉस्पिटल को जाई टीका नै पारिबे। एही प्रक्रिया रे आपण निज चिन्ह परिचित पड़ोसी ऑफिस स्टाफ बा जानिथिबा जे कोनोसी व्यक्ति नारे भाउचर किणी तांकु सहाय्य करि पारिबे। सबुठू बड़ कथा हैला आपण जणक पई गोटे नुहे चाहिले जेते अधिक लोकंक पई टीकार मूल्य देई भाउचर किणी सेमानकु टीकाकरण रे शामिल कराई पारिबे। एही प्रकार इच वन पे वन स्कीम पछरे सरकारक लक्ष्य रहिछि जे एहा द्वारा सरकारी टीकादान केन्द्र उपरे पडिबाकु थिबा अत्यधिक चाप कमिबा सहित टीकाकरण मध्ये बेस द्रुत गतिरे चली पारिबो। फळरे केन्द्र सरकार धार्य करथिबा समय सीमा सुद्धा देशरे सारी पारिबे टीकाकरण अभियान। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर आगको भी रहिछि किंतु समय होइछि आ उठे बिरतिर। ओडिया पुओ प्रमोद भगत को मिली जाइछि टोकियो टिकेट। आगामी टोकियो पैरालंपिक पाई अन्य दुई जणक सहित प्रमोद विधिवत योग्यता हासिल करछन्ति। विश्व बैडमिंटन संघ BWF पक्षरु एने भारतीय बैडमिंटन संघ एवं भारतीय पैरालंपिक कमिटी को सूचना दिया जाइछि। खबर मिलवा पर भारतीय क्रीडा महल खुशीर लहर खेली जाइछि। प्रमोद पक्ष को मध्य शुभेच्छार सुअ छुटिछि। तेणु प्रमोद को जिला तथा गाँ अत्ताबिरारे खुशीर लहरी खेली जाइछि। बहुत बड़ा सुजोग कि आमे पैराबैडमिंटन खेळिबाक योगदान देबो आउ मो अनुरोध कि आम ओडिशा आउ आम ओडिशावासी समस्ते मो 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 विश करंतु कि मो पैरालंपिक जाई ओडिशा आउ सारा भारत पई गर्व आणिबे। थैंक यू। आज मो पैरालंपिक पई मनोनीत होइछि आउ ए पैरालंपिक मो पई बहुत इम्पोर्टेंट को पई कि एटा प्रथम थर पैराबैडमिंटन पैरालंपिक रे इंट्रोड्यूस होउछि आउ ଏହି ଅଲମ୍ପିକରେ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ପୁରା ପୁରା ପାରାବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନର କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। କେରଳ ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେମିତି ରହିବା ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବ୍ୟାପକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୌସୁମୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଫଳରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ IMD ବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ମୌସୁମୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି ରହିବ ମୌସୁମୀ, କେତେ ବର୍ଷା କରାଇବ ମୌସୁମୀ, କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ, ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ନା କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସାଇନ୍ସ ଆଡଭାନ୍ସେସ୍ ଜର୍ନାଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ତାପନ ବୃଦ୍ଧି ଏହା ପଛର କାରଣ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗତ 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ମୌସୁମୀ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରେକର୍ଡକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସହ ଜଡ଼ିତ ଚଳିତ ଥରର ମୌସୁମୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 9 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଇତିହାସ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ଗବେଷକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ 11 ଆଉ 12ରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ଇଏ ସ୍ଲୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ସ୍ଲୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ ତା'ପରେ ଏବେ ମନସୁନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ରଜ ବି ତେଣୁ ଟିକେ ଆର୍ଲି ହେଉଛି 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ, ତା ସହିତ ବର୍ଷା ବି ଅଧିକ।
ଆମେରିକାର ବ୍ରାଉନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଫେସର ଷ୍ଟିଭେନ୍ କ୍ଲେମେନ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଟରୁ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଖୋଳି ମାଟି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଗବେଷଣା ଆଧାରିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଡେଲରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ଥର ମୌସୁମୀ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମର ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ରନ୍ ଅଫ୍, ଆମର ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ ଅଧିକ ମାଟି ପଟୁ ନେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପାଣି ବି ଅଧିକ ଆସିବ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯିବ, ତେଣୁ ସାଲିନିଟି କମ୍ ରହିବ ଲୁଣ ଅଂଶ, ତେଣୁ ତାକୁ ସିଏ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ବୋରିଂ କରିକି ତଳକୁ 200 ମିଟର ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଡାଟା ନେଇକି 1 ମିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ରେ ରେନ୍ ବଢ଼ିଛି ପୁରା ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁ ଏସିଆରେ, ଭାରତ କେବଳ ନୁହଁ, ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ, ସାଉଥ ଚାଇନା ସବୁ ମିଶିକି ହେ ନା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।